अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज है गेम शो आलीशान खुश रहो पाकिस्तान का ग्रैंड फिनाले। और आज क्या होगा, आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ कुछ मुख्तलिफ तरीके से करूँगा। शताज आपको इंट्रो देंगी और दिखाएंगी कि मेकअप रूम में क्या क्या चल रहा है। उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ पर जाके अपना व्लॉग शुरू करेंगे। तो वेरी वेलकम टू शताज खान। शताज शुरू कीजिए। हाँ, मैं आज हट रहा हूँ वीडियो। ओके, आप हट जाए, बिल्कुल आपकी ज़रूरत नहीं है, आज ये मेरा ओके। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ शताज खान, आप लोगों की बहुत प्यारी और ब्यूटीफुल सी सही है, खैर ज़्यादा हो गया लेकिन मैं एक बात बताती चलूँ कि अब मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ भाई। मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, तो गॉसिप गुरु के जो भी फॉलोअर्स हैं ज़रा मुझे जाके फॉलो कर लें जल्दी से, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। और तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज खुश रहो पाकिस्तान का ग्रैंड फिनाले है, और आप लोग पूछ रहे होंगे शताज यहाँ क्या कर रही है, ये तो खुद गेम शो की चैम्पियन है, तो मैं यहाँ इन लोगों को सपोर्ट करने आई हूँ, तो मैं तो हर जगह पहुँच जाती हूँ सपोर्ट करने। तो हम आपको अभी मेकअप रूम का जो है वो दिखाते हैं। जल्दी से बता दें क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, जल्दी से आ जाओ। आप बीच में क्यों आ रहे हैं, आपने मेरे हैंड ओवर किए नहीं मेरी हेल्प। अच्छा, हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, हमारे साथ बैठी हुई है आमना नासिर, और इनके जी ये बाल बन रहे हैं बहुत प्यारे से, और मेकअप इनका हो चुका है, वो नहीं दिखा सकते डर जाएंगे लोग। ओ सॉरी, नहीं बहुत प्यारी लग रही है। और कुछ और इनके बाल जो है वो साइड से ट्विस्ट वाले और फ्रंट से जो है इन्होंने स्ट्रेट करवाए, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और दूसरी हम आपको दिखाते हैं आरिफ, और इनका भी मेकअप चल रहा है, जो कि अभी इनका आई शेड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अभी इनके बाल रहते हैं और ये सोई पड़ी है, इनको कोई होश नहीं है, ठीक है। और उसके साथ मौजूद है हमारी वन एंड ओनली द क्यूटी हफ्सा खान और इनके जो बाल हैं वो तो आज ऐसे लग रहे हैं जैसे बम फट गया, नहीं वो क्या नाम है, बहुत प्यारे लग रहे हैं इन्होंने इन्होंने पूरी रात मेहनत करके अपने ऐसे बाल किए, और इसमें वाकई बहुत मेहनत लगती है। एक दफ़ा हमने किया था, हमारे नहीं हुए थे, तो इनके अभी बालों का हेयर स्टाइल चल रहा है। और हमारे न्यू सिंगर जो के बहुत बॉम गाना गाते हैं, ठीक है, इनकी मैंने वीडियोस देखी है, बहुत वायरल हुई है कुछ सिंगिंग की, इनके भी अभी ब्लो ड्राई हो रहे हैं बाल। बाकी कोई भी नहीं है, बाकी मैं हूँ, ये खुद हैं कौशिप गुरु इधर रूम में, और बाकी सारे चले गए ऊपर। तो अब आप देखें कि ये आप लोगों को ऊपर लेकर जाते हैं। बोलते दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको किसका इंट्रो अच्छा लगा, जो मैं इंट्रो देता हूँ आपको वो अच्छा लगा, या जो शताज खान ने इंट्रो दिया आपको वो अच्छा लगा। ऑब्वियसली बात है, शताज का ही अच्छा लगेगा, इनका तो यही होता है। ये आपको कमेंट में लाजमी बताना है, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिशन है आज के, शताज ने अच्छा इंट्रो किया है या गॉसिप गुरु ने अच्छा इंट्रो किया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर, और ऊपर के तमाम मनाजिर आपको दिखाऊंगा कि कितना सेट सट चुका है, किस तरह सजा है, क्या क्या चीज़ें लग चुकी हैं, कौन कौन से गेम्स आज बाकी हैं। और आज खुश रहो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, जो किसी को भी नहीं पता, मुझे पता है लेकिन मैं आपको भी नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैंने अभी आपको बता दिया तो कंटेस्टेंट को पता चल जाएगा। मेरे साथ रहिएगा, ऊपर चलते हैं और आपको तमाम चीज़ें दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लेके आ चुका हूँ खुश रहो पाकिस्तान के सेट पर, और यहाँ पर आज होगा फैसला कि खुश रहो पाकिस्तान में ग्रैंड फिनाले कौन जीतेगा और किसके सजे, किसके सर पर सजेगा फाइनल का ताज। और आप देख सकते हैं कि पूरा सेट सज चुका है, हर जगह बलून्स लग चुके हैं, और तमाम कंटेस्टेंट, दोनों टीम के कंटेस्टेंट, इंस्टाग्रामर्स के कंटेस्टेंट्स और टिकटॉकर्स के कंटेस्टेंट भी यहाँ पर आ चुके हैं। और इस टाइम पर सेट की लाइट्स ऑफ हैं, और आई थिंक दो मिनट के बाद लाइट्स ऑन होने वाली हैं, फिर आप इन लोगों से बात करवाएंगे और इनसे पूछेंगे इस टाइम पर इनकी क्या कंडीशन है, क्या फील कर रहे हैं। और आपको दिखाते चलें कि फैसल भाई भी यहाँ पर आ चुके हैं, और फैसल भाई वहाँ पर खड़े हैं कंटेस्टेंट के साथ, बिजी हैं, बातें कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तहरान से, क्योंकि तहरान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ऐसा लाइट तो आ रही है ना, बस बता दे रहे, लाइट आ रही है ना फेस पे, अंधेरा तो नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा अंधेरा आ रहा है। अच्छा दिखाओ, अगर इन लोगों को दिखाओ कितना अंधेरा आ रहा है, बस ठीक है बात हो जाएगी हमारी, चलने दो। और इस टाइम पर हमारे साथ एम जे एस एन मौजूद है। एम जे एस एन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ। बाय द वे आई एम गुड, बाय द वे टुडे यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, और आपकी जैकेट बड़ी प्यारी, कितने की जैकेट है ये? 12,000 की। 12,000 रुपए की जैकेट जी? यार बड़ी एक्सपेंसिव है यार। जी ऐसे ही है, ऐसा ही झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं, कैमरे के सामने तो नहीं बोल रहे कि 12,000 की है? नहीं नहीं, वाकई में बोल रहा हूं। अच्छा ये बताएं, इस टाइम पर फीलिंग्स क्या है, आपको कितना यकीन है कि आज आप जीत जाएंगे? यकीन तो इंशाल्लाह पूरा है, अल्लाह ताला पे यकीन है, फिर अपनी टीम पे यकीन है, खुद पे बहुत यकीन है। और बस इंशाल्लाह गेम्स खेलेंगे, बस अच्छी गेम होनी चाहिए, कहते तो सब यही है, जीतने की ख्वाहिश हर किसी की होती है। ओके, थैंक यू सो मच भाई, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी सबसे बात करेंगे। और हमारे पास तहरान मौजूद है, तहरान जल्दी से इधर आ जाए, ये बताएं फीलिंग्स क्या है अभी यार, तकरीबन 5 मिनट के बाद शो शुरू होने वाला है, आई थिंक 5 या 10 मिनट के बाद, फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे ये बताएं? फीलिंग्स
वी आर वेरी एक्साइटेड, मतलब बहुत, मतलब आप लोग देख रहे हैं कैसा यहाँ पे माहौल हुआ हुआ है, और माहौल ऐसा है कि हम लोग फुल जीत की लगन से आए हैं, मतलब जीतना है, जुनून सब में बरकरार है, सब जीतने के लिए लगे हुए, टिकटॉकर भी जीतना चाहते हैं मगर इतना आसान नहीं है इंस्टाग्रामर से जीतना, तो हम लोग अपनी जान लगा देंगे, जान लगा देंगे। और इस टाइम पर हमारे साथ खदीजा मौजूद है, खदीजा से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे उनको क्या लगता है और कितनी ज्यादा एक्साइटेड है आज खदीजा। खदीजा फीलिंग्स बताइए इस टाइम पर क्या है आपकी? मैं इस टाइम बहुत 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 ज्यादा टेंशन में हूँ, नर्वस हूँ, और मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि मुझे लग रहा है कि मेरे से गेम्स नहीं खेली जाएंगी आज, इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है। प्रेशर है यार, लेकिन प्रेशर आई थिंक नहीं लेना चाहिए आपको। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रेशर लूंगी तो गेम्स हमसे परफॉर्म नहीं होंगे, इसलिए हमें प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अभी हम रिलैक्स कर रहे हैं अपने आप को, और हमारी स्ट्रेटेजीज बन चुकी है गेम्स के लिए भी और पूरे मैच के लिए, इंशाल्लाह इंस्टाग्रामर्स ही जीतेंगे आज। अच्छा, आपने क्या कहते हैं कोई स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई है अपनी टीम के लिए कि आज का मैच अगर आप लोग मिसाल के तौर पर आपके पॉइंट्स कम होते हैं, आपके स्कोर कम होता है, तो फिर किस तरह बैलेंस करेंगे? हाँ, हम लोगों ने सोच लिया सब कुछ, हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बना लिया जो कि हम अभी डिस्क्लोज नहीं करने वाले। और इस टाइम पे हमारे साथ मौजूद है एक और कंटेस्टेंट, इनसे बात करेंगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर 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 इधर। ये बताइए कैसी हैं आप? अच्छा, ये बताएं कि आज आपकी तैयारी कैसी है और आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है जीतने के लिए? तो अब लक है सारी, अब जिसकी लक होगी वही जीतेगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे इंस्टाग्रामर्स को? इंस्टाग्रामर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बेस्ट ऑफ लक, यही दे सकती और क्या दूं। ओके जी, थैंक यू सो मच। और इस टाइम पर आपको एक दफा पूरा सेट दिखा दें, फैसल भाई भी हमारे साथ यहाँ पर आ चुके हैं, फैसल भाई सेट पर मौजूद हैं और 5 मिनट के बाद शो लाइव जाएगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गेम शो आलीशान खुश रहो पाकिस्तान के सेट पर, और यहाँ पर आवाज बहुत ज्यादा है, बैंड की टीम बैठी हुई है, बैंड की टीम यहाँ पर बैठी हुई है। और शो शुरू होने से पहले ये अपना बैंड वगैरह चेक करते हैं, जो भी इनके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वो चेक किए जाते हैं, लकी भाई का माइक चेक किया जाता है। और इस टाइम पर हमने बात नहीं की थी तहजीब से, बात कर लेते, तहजीब यहाँ पर मौजूद है। तहजीब, ये बताइए कि आप कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं और इस टाइम पर आपकी फीलिंग्स क्या है, ये बताइए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, टेंशन भी हो रही है, मतलब जोर जज्बा भी है कि आज हम जीत कर जाएंगे। आप जो है अपने सामने वाली टीम को हराने के लिए कितना तैयार है, ये बताएं। फुल आज हम इन लोगों को हरा के ही जाएंगे। ओके जी, ओके। और इस टाइम पे आपकी मुलाकात करवाते हैं और कंटेस्टेंट से। हमने बात नहीं की थी दुआ से बात कर लेते। दुआ, ये बताइए कि अभी फीलिंग्स क्या है आपकी, जीतने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है आप? इंशाल्लाह अपना बेस्ट देंगे और जीत के दिखाएंगे। ओके। और इस टाइम पर हमारे साथ फयाज मौजूद है, फयाज से बात कर लेते। फयाज, फीलिंग्स बताइए इस टाइम पर क्या है? जीत जाएंगे हम, इंस्टाग्राम और जीत जाएंगे आज। वैसे तुम ये माथे पे पट्टी बांध के जैकेट पहन के ये तुम क्या बने हुए हो? मेरा नाम है लखन, वो तो नहीं बने हुए? नहीं, वो बिल्कुल नहीं बने हुए, ये स्टाइल है एक तरीके का। okay. और फाइनल है तो मैंने बोला आज कुछ डिफरेंट, सबने जैकेट पहने हुए हैं। okay. लेकिन पट्टी किसी ने नहीं बांधी तो मैंने बांध ली। ओके, थैंक यू सो मच। और इस टाइम पर हमारे साथ यहाँ पर आशिर मौजूद है, इंस्टाग्रामर्स की टीम का हिस्सा है और यहीं पर ही बैठे हैं। आशिर, ये बताइए इस टाइम पर फीलिंग्स कैसी है और क्या सोचा है, क्या स्ट्रेटेजी बनाएगी जीतने के लिए, बताइए। बस फिलहाल थोड़े से कंफ्यूज हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी हमारी बस हम अभी नहीं दिखाएंगे, बताएंगे नहीं। क्या क्या दिखा रहे हो भाई? हम स्ट्रेटेजी अपनी दिखाएंगे यहाँ पे आज इंशाल्लाह, और अपना हमने बेस्ट देना है। ऑब्वियसली टिकटॉकर्स भी देंगे बेस्ट, लेकिन हमने अपना डबल बेस्ट देना है और इंशाल्लाह जीत के जाना है। ओके जी, थैंक यू सो मच। और इस टाइम पर हमारे साथ यहाँ पर हफ्सा के पास में आया और ठगर के लाइट्स खुल गई है। अच्छा जी, अभी हम बात नहीं करेंगे, हफ्सा उधर जाइए, और आपको दिखाते चले, समी घूमो। और देखें जी, यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही है फैसल भाई की जानिब से एक अनाउंसमेंट हो रही है, और जो है तमाम कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद है, शताज भी खड़ी हुई है। एक दफ़ा पूरा शॉट दिखा दें, तमाम कंटेस्टेंट यहाँ पर खड़े हैं और फैसल भाई की जानिब से इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, और फैसल भाई जो इनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे हैं, और ये अब्दुल्ला भाई हैं जो कि फैसल कुरैशी के असिस्टेंट हैं, इन्हीं के साथ होते हैं। समी भाई, एक दफ़ा पूरा सेट दिखा दें, पूरा कैमरा घुमा दें। ये देखें क्या खूबसूरत तरीके से ये सेट सजाया गया है, चारों तरफ बलून्स लगा दिए हैं, और इस तरफ मैं आपको, और मैं आपको इधर आइए और मैं आपको कैमराज दिखाते चलूँ कि हर तरफ सारे कैमराज लग गए हैं। दो कैमराज जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, तीन कैमराज यहाँ पे लगे हुए हैं, और उसी के साथ दो कैमराज यहाँ पे लगे हुए हैं, बाकी जो हमारी टेक्निकल की टीम है, जितने भी कैमरामैन वगैरह हैं, वो सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उसके साथ साथ जो आज हम गेम्स खेलने वाले हैं, जो भी गेम्स आज ग्रैंड फिनाले में होंगे, उन तमाम के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं, और उसी
के साथ साथ बलून्स ये दिखाते हैं आपको। बलून्स बहुत सारे यहाँ पे रखे हैं, बाकी का सामान उधर रखा हुआ है। आइए आपको और चीज़ें दिखाते हैं। आज हो सकता है कि स्नूकर वाला गेम भी हो, तो स्नूकर वाला जो टेबल होती है उसकी वो यहाँ पे रखी हुई है। और ये वो मनाजिर हैं दोस्तों जो शो शुरू होने से आई थिंक अराउंड 4 मिनट पहले के हैं। 4 मिनट पहले के मनाजिर आपके सामने। ये वो बिहाइंड द सीन्स हैं, ये वो बिहाइंड द सीन्स हैं जो सिर्फ गॉसिप गुरु आपको दिखा रहा है, और कोई भी चैनल जो इस टाइम पे आपको नहीं दिखाएगा। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इनसे पता कर लेते जल्दी जल्दी कि इनको क्या लगता है कि आज कौन जीतेगा। सर आज कौन जीत रहा है? मेरे हिसाब से सब जीतने चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है सब नहीं जीत सकते? सब एक जैसा गेम खेल रहे हैं, सब जीतने चाहिए। कोई एक टीम बता नहीं, कोई एक टीम प्लीज प्लीज नहीं ये मुझे पता है किसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये खुद बताएं, इंस्टाग्रामर से टिकटॉकर्स सब जीतने चाहिए। नहीं बता रहे सर, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? किसी को एक किसी अब्दुल्ला भाई कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा खेलेगा जीत जाएगा। वैसे कोई टीम जो आपको लगता है प्रेडिक्शन हो आपकी, ये टीम जीत सकती है? टिकटॉकर्स होगी जी। यहाँ पर जो ज्यादातर बोर्ड मुझे मिले वो टिकटॉकर्स ही मिले। और ये तीन भाई यहाँ पर बैठे हैं, इनसे पूछते हैं इनको क्या लगता है कि आज कौन जीतेगा। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं टिकटॉकर को सपोर्ट कर रहा हूँ। Oh my God, यार टिकटॉकर्स की तो फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और टिकटॉकर्स की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं जिन लोगों से हमने बात नहीं की थी। आमना हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आमना से बात करेंगे। आमना की पिक्चर बन रही है। आमना सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, हमने इनसे बात कर ली। इनको तो आप जानते हैं बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, और तहजीब से हमने बात कर ली है, और आपने आवाज़ सुन ली। लास्ट 2 मिनट यानी कि 2 मिनट के बाद हम लोग लाइव आएंगे, और हमारे साथ माहीन से बात करेंगे। माहीन कितनी तैयारी है ये बताइए, माइन कितनी तैयारी है बताइए? तैयारी तो काफी अच्छी है। ओके, तो आपको लगता है आज आप लोग जीत जाएंगे? इंशाल्लाह जरूर। कितना परसेंट यकीन है कि आज आप जीत जाएंगे? 50-50 कुछ। कोई कुछ कहना चाहेंगी, कोई चैलेंज देना चाहेंगे टिकटॉकर्स को? हाँ, जीत कर दिखाएं हमसे। जीत कर दिखाएं हमसे। ओह माय गॉड। अच्छा कोई क्या कह रहे हैं आप इनसे? बस ये पूछें, शो अच्छा चल रहा है? शो अच्छा चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। अच्छा ये बताइए कोई प्लानिंग वगैरह आपने बनाई है, कोई स्ट्रेटजी वगैरह बनाई है? जी हो रही है, पीछे देखें प्लानिंग। प्लानिंग दिखा दो, प्लानिंग दिखा दो, और जल्दी से आमने से बात कर लेते, टाइम बहुत कम है। आमने क्या है आपके? मैं ठीक हूं। आप खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल मैं सब सही हूं, बिल्कुल सही हूं, और बस एक्साइटेड हूं। आमना, व्हाई आर यू लुकिंग सो प्रीटी टुडे? व्हाई? आई डोंट नो। यू डोंट नो? व्हाई यू डोंट नो? यू शुड नो। तैयार अच्छे कर रहे हैं ना? तैयार अच्छे किया है। बाय द वे, अब हम आमना से शो के बाद बात करेंगे, क्योंकि 1 मिनट के बाद शो शुरू होने वाला है। तो दोस्तों ये वो मनाजिर आपके सामने हैं जो 1 मिनट पहले के हैं, और 1 मिनट के बाद ये शो लाइव जाने वाला है, और आपके सामने स्टैंड बाई की आवाज़ आ चुकी है। और अब मैं ये वाला अपने अब जो व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करने लगा हूँ। अब बीच में ब्रेक में क्या चल रहा होगा ये आपको दिखाऊंगा, और शो के बाद ये क्या मनाजिर होंगे वो भी आपको दिखाऊंगा, तो फिर मेरे साथ रहिएगा। Three, two, one, go!
कौन जीतने वाला है? अरे इसे और कोई दोबारा टिकटॉकर जीतने वाले हैं। 30 सेकंड थर्टी सेकेंड पाकिस्तान जीत रहा है। ओके जी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कैमरा यहाँ पर कटे थे छोटी छोटी स्क्रीन में आपको नजर आ रहा हो कैम पर कैम टू कैम थ्री जो भी शॉट चाहिए होता है हमारे कामी भाई 30 सेकंड और वो शॉट वहाँ पे सामने नजर आ जाता है। कामी भाई से पता है कामी भाई को क्या लगता है कौन जीतेगा? भाई कामी भाई भी बिजी है कैसे पता कौन जीत रहा है? इंस्टाग्रामर जीत रहे हैं। चाहते कौन जीत रहा है? तो दोस्तों आखिरी लम्हा चल रहे हैं खुश रहो पाकिस्तान में और अभी तक नहीं पता कौन सी टीम जीतने वाली है लेकिन अनार आ चुके हैं। कोई जीते ना जीते अनार आ चुके हैं और अनार जलेंगे। ये देखिए जी वो मनाजिर हैं जो कि बिहाइंड द सीन्स हैं और इस पे लगेगा आई थिंक अनार। सर जरा बताएगा मुझे ये किस तरह चलता है क्या चीज़ है? ये क्लोजअप शॉट होना चाहिए क्लोजअप जी सर। ये जो है डिवाइस में लगते हैं ओके ठीक है रिमोट से चलते हैं। आप चलाना एक साथ चलाना चाहते हैं एक साथ चलाना चाहते हैं एक साथ चलाएं अगर अलग अलग चलाना चाहते हैं तो आप उसे सेट कर सकते हैं रिमोट। अच्छा ये इलेक्ट्रिकल अनार कहलाते हैं जी हाँ। कितने का सेट होता है पूरा? ये इसका कह रहे हैं जी 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 ये 12,000 रुपए का 12,000 रुपए का ओह माय गॉड। तो दोस्तों आपके सामने देखे अभी यहाँ पर जो है फिनाले होने वाला है और उसकी तैयारियाँ एंड पर चल रही हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं आप देख सकते हैं और वन बाय वन इनसे पूछेंगे कि इनको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। जल्दी जल्दी से बोलेंगे कौन जीत रहा है कौन जीतेगा? टिकटॉकर्स या इंस्टाग्राम? अभी तक तो इंस्टाग्राम का पल्ला भारी। कौन जीतेगा फाइनल? फाइनल टिकटॉक जीतेगा। कौन जीतेगा काशिफ? शोर बहुत ज्यादा है यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा इसलिए मुझे जो है ना घुसकर बात करनी पड़ी है। फाइनल कौन जीतेगा? फाइनल मुझे नहीं लगता कि दोनों में से एक टीम को जीती जाएगी लेकिन मुझे ज्यादातर टिकटॉकर के चांस लग रहे हैं। ओके ननोज कौन जीत रहा है फाइनल जोर से? फाइनल जीत रहे स्वागत भाई नाजरीन टिकटॉकर फाइनल जीतेंगे और जीतेंगे टिकटॉकर जी। ओके हमारे साथ एक और मौजूद है फाइनल कौन जीतेगा टिकटॉकर से इंस्टाग्रामर? इंस्टाग्रामर जीतेंगे। फाइनल कौन जीतेगा? फाइनल कौन जीतेगा? टिकटॉकर जीतेंगे। और ये मैं आपको बताता चलूं इंस्टाग्रामर्स में जो माहीन है माहीन लड़की ये उनकी सिस्टर है और आज ये भी आई हुई है फाइनल देखने के लिए अपनी बहन को सपोर्ट कर रही है यहाँ पे और इनसे पूछेंगे कि इनको क्या लगता है कि आज का फाइनल कौन जीतेगा? क्यों क्यों इंस्टाग्रामर्स क्यों जीतेंगे? सपोर्ट कर रही है अपनी बहन को सपोर्ट कर रही है सो मच। और यहाँ पे भाई इनसे खड़े में से पूछेंगे कि कौन सी टीम जीत रही है आज? टिकटॉकर भाई कौन जीत रहा है? टिकटॉकर भाई जन कौन जीत रहा है? टिकटॉकर। और इस टाइम पर हमारे साथ तहरीम बाजी खड़ी हुई है तहरीम बाजी से बात करेंगे। तहरीम बाजी इधर आइए आप जरा और लाइट में आइए ताकि आपसे जरा तफसीली बात हो सके। और दोस्तों आप देखते हैं जो फहीम भाई का शो होता है टिकटॉक वाला ये उसकी प्रोड्यूसर है हमारी तहरीम बाजी हैं और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तहरीम बाजी ये बताइए आज आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है? टिकटॉकर। अच्छा क्यों आपको क्यों लगता है कि टिकटॉकर जीतने वाले हैं?
کیونکہ میڈیا پر ان کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انسٹاگرام میں. بٹ یہ کہ اور اگر کھیلنے کے حوالے سے کمپیریزن اور اگر کھیلنے کے حوالے سے کمپیریزن کیا جائے تو کھیلنے کے حوالے سے تو انسٹاگرام پر کھیل رہے ہیں بہت سخت ہے. بالکل کی پریڈکشن یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے. صحیح بالکل انپریڈکٹیبل ہے, بہت کانٹے کا مقابلہ. تھینک یو سو مچ دوست. سامنے ہیں اور بڑے خطرناک حالات اور آخری رنگ باقی ہے اور یہ رنگ فیصلہ کرے گا کہ آج کا وینر کون ہوگا. آپ کے ہیں 26 پوائنٹ کیا اور آپ کے ہیں 24 پوائنٹ. دکھائیں ذرا انسٹاگرامرز 24 ٹک ٹاکرز 26 تو یہ وینرز پلس نکلا. پیچھے ہو جاؤ, یہ ابھی فوراً چلے گا, یہ پیچھے ہو جاؤ. کون ہے یار ایسے اس ٹائم پہ تم جا رہے ہو یار؟ تو دوستوں گیم شو عالی شان خوش رہو پاکستان میں گرینڈ فنیلے ہوا ختم اور تاج سجا فائنل کا انسٹاگرامرز کے سر پہ اور انسٹاگرامرز آج یہ گرینڈ فنیلے جیت گئے اور آپ کے سامنے یہ وہ مناظر ہیں جو شو ختم ہونے کے بعد کے ہیں اور یہ مناظر آپ کو اس وقت کوئی بھی نہیں دکھائے گا, صرف گوسپ گرو آپ کو یہ مناظر دکھا رہا ہے. تمام سوشل میڈیا اسٹارز یہاں پر موجود ہیں, انسٹاگرامرز اپنی جیت کا جشن منا رہے ہیں, وہیں ٹک ٹاکرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کی جو صورتحال ہے بہت زیادہ غمگین ہے. وہاں پر
रो रहे हैं टिकटॉकर्स, उनकी आपसे थोड़ी देर में मुलाकात करवाएंगे। और सबसे पहले हम बात करवाएंगे आपकी जीती हुई टीम से। हमारे साथ अहमद मौजूद हैं, और अहमद वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। आपने जिन किया कुछ कहना चाहेंगे ये बताइए। बस अल्लाह पाक की मदद थी जो कि हमारे साथ थी, और माँ की दुआएं थी, तो जीतना तो ज़रूरी था ना। अपने फैन से कुछ कहना चाहेंगे? बस थैंक यू सो मच यार, आपने बहुत सपोर्ट किया, इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इस टाइम पर मैं सबका, आज मैं सबकी टिकटॉक खत्म करूंगा, सबकी टिकटॉक खराब करूंगा। डॉक्टर मदिया, एक सेकंड, एक नेक्स्ट। टुडे यू वन द मैच, यू वन ग्रैंड फिनाले, क्या कहना चाहेंगे बताइए। मैं बहुत खुश हूं, समझ में नहीं आ रहा, नहीं दोबारा से जमा करना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जीत गई, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सपोर्ट किया। मैं फैंस से कुछ कहना चाहेंगी? आई लव यू फैंस, आई लव यू सो मच, आई सीरियसली लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ यहाँ पर तैरान मौजूद है। तैरान ये बताइए, इस टाइम पर फीलिंग्स कैसी हैं, कैसा फील कर रहे हैं बताएं। मेरा मुंह देख के आप लोग मेरी फीलिंग्स, मतलब आप लोगों को हो गया होगा, मतलब जो भी होता है, मगर मुझे थोड़ा सा गम भी है, क्योंकि जो लोग हारे हैं वो मेरे पुराने दोस्त हैं, और इन लोगों से ज्यादा बढ़ के मेरे लिए वो हैं सामने वाले, और उसमें हफ्सा, शेर, स्पेशली अरीशा, ये तीन लोग हैं मेरे मेन लोग हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि ये लोग हारे, मैं चाहता नहीं था कि ऐसा हो, मैं चाहता था ड्रॉ हो जाए, मगर अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है, तो जो भी हुआ है मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, चले जी, अल्लाह पाक। आपने मुझे कंग्रेचुलेशन नहीं कहा, मैंने आपको कहा, मैंने आपकी पूरी टीम को बोल दिया, लेकिन बोलता हूँ मैंने कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो। और फयाज हमारे साथ मौजूद है, फयाज से बात करेंगे। फयाज ये बताएं, फीलिंग्स कैसी हैं अभी? आ गया, बहुत, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने बोला था ना कि हम जीत के जाएंगे, और तो बस जीत गए, बस हम जीत गए। अच्छा बताएं फीलिंग्स कैसी हैं? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, बहुत खुश हूँ। जब आखिरी बॉक्स बाकी था, आखिरी रंग बाकी था, उस टाइम पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी ये बताएं। बस या तो सब अल्लाह पे छोड़ दिया था, सब अल्लाह पे छोड़ दिया था, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बेहतर होगा, अल्लाह बेहतर करेगा, और वो होगा। बहुत मैं खुशी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ जी, थैंक यू सो मच। और आपको उधर लेके चलते हैं, और वहाँ पर जल्दी जल्दी आइए, और वहाँ पर कंटेस्टेंट मौजूद हैं। ईशा इस तरफ आइए, ईशा इस तरफ आइए, ईशा, ईशा। और दोस्तों ये लोग यहाँ पर बैठे हैं इस टाइम पर, और बड़ी इमोशनल कंडीशन है। महानूर आप लोग हार गए, आप खुश हैं? आप हारने के भाई गेम का हिस्सा है हार जीत, मैं तो बस ठीक हूँ, मैं ना खुश हूँ ना दुखी हूँ, बस ठीक हूँ, नॉर्मल। अपने फॉलोवर से कुछ कहना चाहेंगे? गेम शो ऐसे चलेगा, मैं टिकटॉक पे जीते ना, उनकी वजह से मैं खुश हूँ, हम जीत गए हैं, बस कोई बात नहीं है, तो नाम के जीते। जब आखिरी रंग बाकी था, उस टाइम पर क्या स्ट्रेटजी वगैरह बनाई हुई थी आपकी टीम ने, ये बताइए। मैं तो पता नहीं क्या, बस क्या हो सकता है, बस हार्ड लक कह सकते हैं, अब किस्मत आज उनके साथ थी, हमारे साथ नहीं थी तो बस इस तरफ आइए। और ईशा ये खड़े हुए, ईशा देखें, जब दो टीम्स मैदान में उतरती हैं तो एक टीम को हारना होता है और एक टीम को जीतना होता है, ये गेम का हिस्सा है, ये खेल का हिस्सा है, और ऐसा ही होता है। ये बताइए अभी इस टाइम पर क्या फीलिंग्स है? नो कमेंट्स। व्हाई? हम अच्छा खेल रहे थे बहुत, और शायद हम जीत जाते, लेकिन पता नहीं वो एंड में क्या हुआ, हम आगे भी थे बहुत, मगर नहीं, क्यों नहीं जीतना चाहा, शायद क्योंकि पिछले दो सीजन टिकटॉकर्स जीते थे शायद, तो इसलिए बस उनकी माओ की दुआएं थी। तायरान ने ऐसा कहा था कि शो के बीच में कि हमारी माओ की दुआएं, तो हमारी माओ ने तो दुआएं दी थी हमें शायद, तो पता नहीं बस शायद उनकी माँ की दुआएं। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ यहाँ पर आमना नासिर मौजूद हैं। आमना नासिर, पहले आप रो नहीं, प्लीज़ पहले आप रोना धोना बंद करें। देखो इस लड़की की आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इस लड़की की चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। आमना नासिर ये बताएं, जब आखिरी रंग बाकी था, भले बंदा रो रहा हो, हंस रहा हो, इसको बोलो लाजमी मनाना है, जब आखिरी रंग बाकी था तो उस टाइम पर क्या आपकी कंडीशन थी ये बताइए, क्या सिचुएशन चल रही थी, क्या स्ट्रेटजी थी ये बताइए। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस यही दुआ थी कि माइनस निकले ताकि उनके नहीं माइनस हो, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा, अपने फॉलोवर से कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ऐसे ही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, सबने सपोर्ट इतना किया है 3 महीना, और सबने इतना मतलब प्यार दिया, और मैं बोल का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें इतना अच्छा मतलब मौका दिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं अपनी ग्रुप तस्वीर बनवाने जा रहा हूँ, सभी पूरी रिकॉर्ड करो, ये पूरा रिकॉर्ड करो, ये हमारा ग्रुप ले लो। आरिफ इधर आ, आरिफ चल लेते हैं लोग, मुस्कुराओ
बनाओ तुम्हारी वीडियो बना दूं। बहुत खुश लग रहे हैं और प्राउड है। वो चलो ना बॉस। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं गॉसिप गुरु को जो है ना क्या नाम है पिक्चर बन रहा है पूरी टीम के साथ, विनिंग टीम के साथ। उन्होंने मुझे कहा मेरा जाके व्लॉग कंटिन्यू कर दो, मतलब मैं यहाँ ये करने खड़ी हुई हूँ है। तो आप लोग देखें जरा गौर से, और ये इनकी नजरें यहाँ चलती कैसा बन रहा है वैसे? अच्छा बन रहा है, अच्छे आ रहे, अच्छे आ रहे, सब अच्छे आ रहे। अभी नेक्स्ट टीम आने वाली है टिकटॉकर्स और उसके साथ होगी गॉसिप ग्रुप की पिक्चर, और वो बेचारे बहुत रो रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस हुआ उनके लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद टीम की हो पूरी पूरी बॉल टीम की होगी, हम भी हो जाएंगे उसके बीच में शामिल। तो आप लोग प्लीज देखें यार क्या हो रहा है, कब से ये आपने कब से खराब काम करना शुरू कर दिया। खराब काम मैंने मास्क को देख के सीखा है, ये बहुत खराब काम करता है, ये अपने व्लॉग को यूं यूं हिलाता है। तो अभी अब वो सब छोड़ो, वो देखो दिखाते हिलाते हुए इनके व्लॉग की ऐसी की तैसी हो गए, गुरु के व्लॉग की ऐसी की तैसी हो गए। अब ये बोलेंगे कट कट कट। बर्फानी हमारे सेवल बर्फ में रहते हैं। अच्छा सब वीडियो बन गई थी, अभी बन गई स्टार्ट वीडियो। तो अस्सलाम वालेकुम, कंटिन्यू करते हुए यहाँ से वीडियो गॉसिप गुरु का ब्लॉग। और ब्लॉग जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे टिकटॉकर की टीम खड़ी हुई है, और टिकटॉकर की टीम हार गई, सैडली न्यूज़ आपकी है आज की। और दूसरी बात ये कि गॉसिप गुरु जो हैं जिनके फराज जिनका नाम है वो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहे, तो हम उनको ढूंढते पहले आए। Where is gossip guru? हमारे शूटिंग करते हुए कैमरे पे अगर गोली एक भी लग गई तो कैमरा टूट जाएगा, कैमरा टूट जाएगा तो व्लॉग कैसे बनेगा, व्लॉग कैसे बनेगा ये हमें नहीं पता। और ये जी जी थैंक यू, मैं जा रहा हूँ, ठीक है मेरा काम मिल गया मेरे को वीडियो बनाने का, बाय। अभी आप नहीं जाएंगे तो दोस्तों वेल यहाँ पर शताज और माज जो है यहाँ पर वीडियो, मैं दोबारा जा रहा हूँ, दोबारा बनवाने जा रहा हूँ। दोस्तों गेम शो आलीशान खुश रहो पाकिस्तान की ग्रुपिंग भी हो चुकी है। मंगवा ले। वेल दोस्तों तस्वीर, तो वेल दोस्तों ग्रुपिंग कंप्लीट हो चुकी है, तमाम तस्वीर बन चुकी हैं। और आज हमारे अली भाई की है सालगिरह, आज दो सेलिब्रेशन हम करने वाले हैं। आज हमारे भाई की सालगिरह है, अली भाई की सालगिरह। अली भाई मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू अली। अली ये बताएं शो का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें, आज ग्रैंड फिनाले कैसा हुआ ये बताएं। ग्रैंड फिनाले बहुत अच्छा हुआ खुश होगा, लेकिन टीम टिकटॉकर्स बिल्कुल ही रो रही थी, जाहिर सी बात है बुरा लगता है। 3 महीने से वो हमारे साथ काम कर रहे थे, उनकी इच्छा थी कि वो जीते शो, लेकिन वो हार गए, काफ़ी ज़्यादा अफसोस है उनको, हमें भी अफसोस उनके साथ। लेकिन ऑब्वियसली जो अल्लाह बेहतर जानता है, जिसको अल्लाह जिसके साथ है वही टीम जीतती है, और आज इंस्टाग्रामर्स जीते हैं और हम इंस्टाग्रामर्स के साथ भी खुशी है। साल के रहे अली कितने साल का हो गया है? मैं अभी 18 साल का अभी हो रहा हूं। ये सच बताना है, बिल्कुल सच बताना है। 24 साल का हुआ मैं, 24 साल का हो गया मेरे बाद। अली झूठ तो नहीं बोल रहे आप? शनाख्ती कार्ड दिखा। नहीं ऐसे जी, अली जो अली साहब हमारे प्यार बहुत अच्छे दोस्त, हमारे बहुत अच्छे भाई, आज 24 साल के हो गए। और अली का केक भी आ चुका है, आपको पूरी सेलिब्रेशन दिखाएंगे। केक बड़े मजे का है, चॉकलेटी केक है, और मुझे आपको पता है केक बड़ा मजे का लगता है। और यहाँ पे कौन कौन लोग बैठे हैं जी, और यहाँ पे आपके तमाम लोगों से बात करवाती थी, ये देखें जी यहाँ पर ये ट्रॉफी
ये खत्म करो, ये दिखाओ भाई ट्रॉफी दिखाओ, ये देखें जी ट्रॉफी आपके सामने, क्लोजअप करके दिखाओ, क्लोजअप करके दिखाओ, ये देखें जी विनर यहाँ पर मौजूद है और विनर के हाथ में उनका इनाम भी है और उसके साथ ही हम बात करेंगे एसएन से, एमजे एसएन से हमने बात नहीं की थी। एमजे एसएन, टुडे यू वन द ग्रैंड फिनाले। थैंक यू सो मच इस टाइम पर फीलिंग्स बताएं कैसी जल्दी से। आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे बहुत खुशी हो रही है लिटरली। मैं हद से ज्यादा चश्मा लगा के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई एम स्टिल शिवरिंग। थैंक यू अल्लाह ताला और थैंक यू सबका, आपका भी थैंक यू, हर किसी का थैंक यू। अपने फैंस से कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, लव यू लॉट। आप लोगों के बगैर लिटरली ये चीज नहीं हो सकती थी। स्टिल थैंक यू। थैंक यू सो मच। और अब आपको लेके चल रहे हमारे अली भाई की सालगिरह है। आज हमारे टीम के अली भाई, अली असगर की सालगिरह। सामने से आप सामने आओ ना, रो क्यों नहीं वीडियो। और आज हमारे अली भाई 24 साल की हो गए, हमारे अली भाई अली असगर की आज उम्र हो गई है 24 साल। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग आज मना रहे हैं दो दो सेलिब्रेशन, एक ग्रैंड फिनाले की और आज एक अली की सालगिरह की। केक कटने में सिर्फ कुछ लम्हात बाकी, अली भाई छुरी फेरेंगे और केक सबको खिलाएंगे, हमें भी खिलाएंगे। और ये वो मनाजिर हैं जो आपको कोई भी नहीं दिखाएगा, सिर्फ आपको गॉसिप गुरु दिखा रहा है इस टाइम पर। और केक कटने वाला है, केक कटने वाला है। अली भाई, अली भाई की सालगिरह आज। हाँ, सालगिरह बहुत अच्छा दिन है और अल्लाह उनको बहुत खुशियाँ दे सालगिरह के मौके पर और आने वाली जिंदगी में कयामत तक सलामत रखे। चलो भाई, चलो भाई, केक कटने वाला है। समी 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 थोड़ा सा इतना। मेनी मेनी हैप्पी बर्थडे ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू ओले। आज हमारे अली भाई पूरे 24 साल के हो गए। आज हमारे अली भाई पूरे 24 साल के हो गए पूरे। सभी भाई पूरा सेट दिखाएं, सभी भाई पूरा सेट दिखाएं, पूरा सेट दिखाएं, किस तरह लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है यहाँ पे। अली भाई आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अली 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 केक खिला दो, अली अली केक, केक, अली अली। बहुत मजे का केक है। और हमारे साथ एक गेस्ट और मौजूद हैं और मैंने आपकी ब्रेक में इनसे बात करवाई थी। आप प्रॉपर तरीके से करवाता हूँ। इंस्टाग्रामर्स में जो माहीन है, ये उनकी सिस्टर है। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? ये देख रहे हैं, ये मुझे कटा रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं अभी तक इन लोगों का। इनका व्लॉग मैंने चलाया था और ये मुझे बिल्कुल कटा के साइड पर। नहीं नहीं, हमने की, हमने हमने कैरी ऑन, हमने किसी, मैं आपसे कल मिलती। मैंने किसी को नहीं कटाया जी। तो आपका नाम, आपने क्या कहा था? वो शता जा गई तंगड़ने के लिए। इरज नाम है मेरा। ओके, आपके नाम का मतलब क्या है? उरूज। उरूज, मैं इस टाइम पर उरूज के साथ खड़ा हुआ हूँ और उरूज पर खड़ा हुआ हूँ, मुझे यही नहीं पता। आपकी बहन आज जीत गई है, इंस्टाग्रामर्स की टीम जीत गई है, कैसा फील कर रही है बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दुआएं साथ की। ओके, कर आए थे बहुत और बहुत सपोर्ट करने आई थी मैंने। अच्छा ये बताएं कि जब माहिनी यहाँ पर सेट पर आती है और ऑफकोर्स आप लोग उसको टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखती होंगी, तो कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आप उनको देती होंगे? माहिनी इस तरह बोलो, ये वाले गेम्स खेलो, इस तरह की ड्रेसिंग करो, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह होती हैं आपकी तरफ से उनके लिए? कहती हूँ कि बोला करो जो भी आपसे और गेम्स अच्छा खेला करो। आपके फॉलोवर्स कितने हैं बताइए? मेरे फॉलोवर्स इतने नहीं है। कितने हैं बता दें? मेरे टिकटॉक पे 2 या 3,000 है। ओके, और टिकटॉक वगैरह बनाती हैं आप? अभी स्टार्ट कर रहा है, अभी फर्स्ट अभी एक मंथ ही हुआ है स्टार्ट कर। ओके जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, और अब आप जिन लोगों से बात नहीं कर रहे उनके पास लेके चलते हैं। फैसल भाई से तो हमने बात ही नहीं की और कोशिश करेंगे कि फैसल भाई से बात करने का मौका मिला, फैसल भाई से बात करेंगे। और इस टाइम पर हमारे पास यहाँ पर अरीशे मौजूद हैं। अरीशे अपनी सेल्फी मुकम्मल कर लें उस वक्त। अरीशे तरफ आइए आप। मेकअप खराब हो गया। अरीशे कोई बात नहीं, अरीशे देखें, अरीशे थोड़ा सा पीछे, अरीशे पहले पीछे हैं। देखें अरीशे, जब दो टीम्स, नहीं नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, जब दो टीम्स मैदान में उतरती हैं तो एक टीम को हारना होता है और एक टीम को जीतना होता है, ये बात अग्री करेंगे आप इस बात से? आप बताइए कि जब आखिरी रंग बाकी था उस टाइम पर सिचुएशन क्या थी, टीम में क्या प्लानिंग चल रही थी, टीम में क्या स्ट्रेटजी चल रही थी, ये बताएं। टीम में चल ही यही रहा था कि कैसे जीतेंगे कैसे, हालांकि स्कोर तो हमारा आगे था। okay. पर इन दी एंड उन्होंने जो हमें -7 लाख दे दिया। रोना बंद करें बिलाल, भी रोना बंद करें, ये रोना बंद करें आप, ये इसकी आंखों में अभी भी आंसू हैं आप देख सकते हैं। अब बताएं, तो यही था कि हम लोग ने कहा कि हम जीतेंगे और फिर डम्ब हो गए। अच्छा अब बताइए, अपने फॉलोवर से कुछ कहना चाहेंगे? फॉलोअर्स से यही कहना चाहूँगी, अगर मुझे आप लोग नेक्स्ट सीजन में देखना चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बताएं। बताएं कैसे सपोर्ट करें बताएं? आपको यूट्यूब पे जाना है, इंस्टा पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, जो भी आप बोल एंटरटेनमेंट का पोस्ट देखें उस पर वी वॉन्ट अरीशे नेक्स्ट सीजन का हैशटैग जरूर लाजमी यूज़ करें एंड वी वॉन्ट अरीशे हर जगह लिख दें ताकि मैं नेक्स्ट सीजन में आपको नजर आऊं। इंस्टाग्राम आईडी बता दें।
मेरी इंस्टाग्राम आईडी है arisha_19, वहाँ पे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करें हारने पर नहीं हारने पर नहीं। बाय द वे अरीशा हमारे विशेष आपके साथ हैं, अगर आज आप यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हार गए तो हो सकता है अल्लाह पाक ने आपके लिए आगे बहुत सारी कामयाबियाँ रखी हों, वहाँ पर आपको बहुत सारी कामयाबी मिले। वेल बेस्ट विशेज फॉर यू, थैंक यू सो मच। और एक और सालगिरह मनाई जा रही है भाई, आज एक और जश्न मनाया जा रहा है, एक और सालगिरह यहाँ पर मनाई जा रही है और केक खिलाया जा रहा है। एसएन एमजे एसएन की आज बर्थडे भी है और उनकी सालगिरह का केक यहाँ पर कट रहा है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि शहरोज भाई से बात कर लें, शहरोज भाई से बात नहीं थी। शहरोज भाई ग्रैंड फिनाले हो गया, अली की सालगिरह, एमजे एसएन की सालगिरह, खुश रहो पाकिस्तान का सीजन तेरी खत्म हो गया, जरा क्लेरिफाई। माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, बहुत बहुत मज़ा आया और माशाल्लाह देखिए खुशियाँ खुशियाँ। एक टीम जीत गई, ऑब्वियसली एक टीम को जीतना था, इंस्टाग्रामर जीत गई, एक टीम को हारना था वो टिकटॉकर थी। जो अच्छा खेले वो जीते हैं आज, ये नहीं है टिकटॉकर ने आज बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा एफर्ट किए। आज का मैच वाकई लग रहा था कि आज वाकई ग्रैंड फिनाले है, बट स्टिल बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया और बहुत 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 ही अच्छा रहा, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। सबकी बर्थडे नहीं है कि क्या चल रहा है, बच्चे कौन आ गए, बहुत ज्यादा खुशी खुशियाँ हैं, बहुत कितना ज्यादा हुआ है ये कि क्या चल रहा है ये। शहरोज भाई गेम शो आली शान खुश रहो पाकिस्तान सीजन 4 अब शुरू होने वाला है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे बताएं? आप लोग वेट करें, इतना जबरदस्त सीजन आने वाला है इंशाल्लाह, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। शहरोज भाई सिर्फ ये बता दें कौन कौन सी टीम्स होंगी, शहरोज भाई कौन कौन सी टीम होंगी, कौन कौन से कंटेस्टेंट होंगे, कुछ बता सकते हैं? सरप्राइज आपके लिए, आप सबके लिए सरप्राइज है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, आप लोग सपोर्ट करें, इसी तरह देखते रहें। कल से गेम शो स्टार्ट है, आप देखिएगा कि कल क्या होने वाला है, होने वाला है। आपके अपने लोग, आपके अपने जिनके लिए आपने कमेंट्स किया हम उनको वापस बुलाएंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, अभी से ही जबरदस्त, कल पता चलेगा। शहरोज भाई ने यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट कर दिया, शहरोज भाई अभी नहीं बता रहे कि कल जो गेम शो ऐसे चलेगा वो उसमें कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन सी टीम्स होंगी। और अब हम चलेंगे फैसल भाई के पास जाएंगे, फैसल भाई से बात करेंगे, बस उनकी आखिरी ये सेल्फी ये फोटो मुकम्मल हो जाए उसके बाद तमाम टिकटॉक वाली वीडियोस हम रुकवा देंगे, तमाम सेल्फीज रुकवा देंगे और फैसल भाई से बात करेंगे। और इस टाइम पे हमारे साथ मौजूद हैं फैसल भाई, फैसल भाई से बात कर लूँ पहले? ओके इनकी पिक्चर हो जाए, जिनकी पिक्चर हो जाए उसके बाद फिर फैसल भाई से बात करते हैं और उनसे पता करते हैं कि शो कैसा रहा और फैसल भाई कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। दोनों टीम ने आमने सामने थी, इंस्टाग्रामर्स वर्सेस टिकटॉकर्स, और ये तस्वीर हो जाए। आशिर से अब तक बात कर लेते हैं जब तक फैसल भाई वहाँ पर बिजी हैं। आशिर यू वन द ग्रैंड फिनाले, क्या कहना चाहेंगे बताएं? मैं बहुत खुश हूँ और जिन्होंने हमें सपोर्ट किया ना, अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह खुश रखे। हमने तो मतलब अपना बेस्ट दिया, हमारा इस टाइम आउट हुए थे हम कि क्या होगा, एंड वाले बॉक्स पे आ गया था हम बहुत इस टाइम मतलब पके हुए थे कि क्या होगा और अल्लाह ने हमारी किस्मत खोल दी। अपने फॉलोवर्स से कुछ कहना चाहेंगे? बस उनको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा कि अल्लाह आपको भी खुश रखे, ऐसे सपोर्ट करते रहे, आप लोगों का प्यार मिलेगा तो आगे जाते रहेंगे। दोस्तों गेम शो आलीशान खुश रहो पाकिस्तान सीजन 3 खत्म हुआ और हमारे साथ फैसल भाई मौजूद हैं। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई खुश रहो पाकिस्तान सीजन 3 आज खत्म हुआ, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे पहले बताएं? यार बहुत इंटरेस्टिंग रहा पूरा सफर और बड़ा जबरदस्त कमबैक था इंस्टाग्रामर्स का। मस्त से शुरू में उन लोगों ने, उनको टाइम लगा गेम्स में आने में, आई एम सॉरी मैं सुबह 6 बजे का उठा हूँ और अभी तक 10:30 हो रहे हैं, यहीं पे हूँ। तो एनीवे बट बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग रहा फाइनल स्पेशली। अच्छा फैसल भाई आज सीजन 3 खत्म हुआ खुश रहो पाकिस्तान का, अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो इंस्टाग्रामर्स की और टिकटॉकर्स की कोई एक एक क्वालिटी आप बता सकते हैं कि आपको लगा इस सीजन में इनमें ये क्वालिटी बहुत अच्छी थी? देखो दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो उनका खेलना है, ठीक है ना। सो जितने मतलब दोनों के पास कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेलते थे, सो ये इनकी स्ट्रेंथ थी बेसिकली। वो इंस्टाग्रामर्स के पास भी थे और वो टिकटॉकर्स के पास भी, तो अच्छी स्ट्रेंथ लेके चलें। हार्ड लग हुई टिकटॉकर्स की। फैसल भाई खुश रहो पाकिस्तान सीजन 4 कमिंग सून, इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? सीजन 4 के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सरप्राइज है। कौन कौन से टीम्स होंगी, कौन कौन से प्लेयर्स होंगे? सरप्राइज है। वेट टिल वेंसडे, आप वेडनेसडे तक वेट करें। आपको उस दिन पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ओके जी थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हमने बात की गेम शो आली शान खुश रहो पाकिस्तान के मेज़बान फैसल कुरैशी और उन्होंने बताया कि खुश रहो पाकिस्तान सीजन 4 में बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। दोस्तों लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, पूरा सीजन खत्म हो चुका है,
अभी भी लोग यहाँ पर अपनी लाइक खुशी का, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। वेल तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वाला व्लॉग बहुत 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 पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर मुझे मौका मिला तो मेकअप रूम में जाके आप लोगों की तमाम लोगों से बात करवाऊंगा, जिन लोगों से भी बात नहीं करवाई, और अगर बात नहीं करवा सके तो समझ जाइएगा मेरा ये वाला व्लॉग यहाँ पर ख़त्म हो गया है। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए सोशल मीडिया स्टार के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।